नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और हम आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, फॉर्म भरने की जो आपकी इसकी प्रारंभिक तिथि रहेगी 15 फरवरी 2023 रहेगी तथा अंतिम तिथि 1 मार्च 2023 रहेगी। इस फॉर्म को सिर्फ महिला अभ्यर्थी भर सकते हैं, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस फॉर्म को सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही भर सकती हैं। इसमें जो आपसे सामान्य वर्ग से फीस ली जाएगी वो 400+60 रुपये पोर्टल शुल्क ली जाएगी। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 200+60 रुपये पोर्टल शुल्क लिया जाएगा। फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि वो 15 फरवरी रहेगी, अंतिम तिथि 1 मार्च 2023 रहेगी। आपकी जो परीक्षा दिनांक रहेगी वो 8 जून 2023 से शुरू रहेगी। तो चलिए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि ये भर्ती सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए रहेगी, और इस पर आप एक विशेष ध्यान रखिएगा कि अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो इस फॉर्म को सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही भर सकते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। परीक्षा आपकी 2 चरणों में रहेगी, जो आपकी 8 जून 2023 से प्रारंभ होगी। आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो आधार कार्ड के बेस पे भरा जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका आधार कार्ड में नाम तथा जन्मतिथि वगैरह सब कुछ सही हो, क्योंकि ये फॉर्म आपका आधार कार्ड के बेस पर ही भरा जाएगा। हम इसमें आपको शैक्षिक योग्यता, उम्र सब कुछ बता देते हैं। इस पीडीएफ की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और ये फॉर्म सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए है। जो आपकी सीटें रहेंगी वो अनारक्षित वर्ग के लिए 283 सीटें रहेंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 105, अनुसूचित जाति के लिए 210, अनुसूचित जनजाति के लिए 168, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 284। इस तरीके से कुल मिलाकर 1050 सीटें इसमें रहेंगी। ये आपके जिस जो भी आपके मध्य प्रदेश के जो कॉलेज हैं, तो उन कॉलेजों में आपकी कहाँ कहाँ कैसी कैसी पोस्टिंग रहेगी ये पूरी यहाँ पे दी हुई है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये मध्य प्रदेश के पूरे कॉलेज हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। इसमें आप देख सकते हैं, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए, 12वीं कक्षा में भौतिक रसायन और जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी विषय को लेकर न्यूनतम 45% अंकों से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 5% अंक की छूट रहेगी। इसी प्रकार से आपकी आयु सीमा में सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2020 को आयु न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। तो ये पूरा आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए, वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए आप निखिल कंप्यूटर से, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।